care of yourself. Today I am going to start part 4 of chapter number 6, Dear Children. In part 3, we learned about Sun Ferry Junction, about salt harvesting, about the Suraj Valley Bridge. And today I am going to start part 4. So let's start with the chapter. Now the question is, have you ever travelled by train? If yes, then from where and up to which place? कभी आपने ट्रेन से ट्रैवल किया है? अगर हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक? कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक? So answer, yes, I had travelled from Ahmedabad. To New Delhi in the train. Next question, which facilities are provided in a train? Write in detail. Train में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? So answer, there are facilities like comfortable berths, lights and stands for magazines, extra are provided in a train. So here are facilities of comfortable berths, यानी कि आरामदायक सीट्स होते हैं, टॉयलेट, वॉश बेसिन्स, फैन, शटर्ड विंडोज, लाइट्स, स्टैंड्स फॉर मैगजीन्स यानी कि न्यूज़पेपर रखने के लिए स्टैंड. एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन, यानी ये सारी सुविधाएं ट्रेन में मिलती है. एंड इन एसी कोचेस देयर आर फैसिलिटी ऑफ ब्लैंकेट्स एंड एयर कंडीशनर आल्सो provided by the train authorities. I tried to sleep, but I was not able to sleep. हमने जैसे कि देखा रिया वो सोने की कोशिश करती है बट सो नहीं पाती ड्यू टू ट्रेन नॉइज़. क्यों? ट्रेन की आवाज की वजह से. देयर वॉज अनदर फैमिली नियर अवर सीट, हमारे सीट के पास एक दूसरी फैमिली भी थी. द गर्ल इन द फैमिली सीम्स टू बी ऑफ माई एज, और वो जो लड़की थी वो मेरी एज की. She was also not feeling sleepy, और उसे भी नींद नहीं आ रही थी. We both talked, हम दोनों ने बातें की. Her name was Fiona, उसका नाम क्या था? Fiona. She had some story books, उसके पास कुछ कहानियों की किताबें थी. I also took one book from her and started reading it. मैंने उससे एक कहानी की किताब ली, एक स्टोरी बुक ली और पढ़ना शुरू कर दिया. While reading the book, I slept. बुक पढ़ रही थी तभी मैं सो गई. Suddenly I woke up. अचानक से मैं जाग गई. I saw that light was coming from the window. मैंने देखा कि light यानी रोशनी कहाँ से आ रही थी? खिड़की में से. Window means खिड़की. I sat and peeped out of the window. मैं बैठ गई और बैठकर बाहर देखने लगी. Peeped out means झांकना. It seemed a big city had come. ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बड़ी सिटी आई है.
ट्रेन वॉज पासिंग, ट्रेन वहां से गुजर रही थी। द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और वो सिटी यानी कि वो शहर बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, किसलिए वो सिटी ब्यूटीफुल दिख रही थी? बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, रोशनी की वजह से। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन इन गांधीधाम, मैंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी भी गांधीधाम में पहले नहीं देखा था। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग्स एंड द एटमोसफियर वॉज क्वाइट। हमारी ट्रेन कहीं से भी गुजर रही थी, चाहे वो रेलवे क्रॉसिंग के पास से होकर निकल रही थी या फिर ब्रिज के नीचे से, सभी जगह क्या देख सकते थे हम? टॉल बिल्डिंग्स मीन्स ऊंची ऊंची इमारतें एंड द एटमोसफियर वॉज क्वाइट, यानी कि वहाँ का वातावरण कैसा था? क्वाइट मीन्स शांत, Quiet, quiet, quiet means shant. I took my mother's mobile to take photos and videos of the beautiful scene. मैंने मेरी मदर का मोबाइल लिया, मोबाइल मीन सेल फोन, मैंने अपनी मदर का सेल फोन लिया, इसलिए टू टेक फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दोज ब्यूटीफुल सीन, और मैंने अपनी मदर का मोबाइल ये सुंदर दृश्यों के फोटोज और वीडियोज लेने के लिए, फोटोज और वीडियोज कैप्चर करने के लिए लिया। विच वी विल एंजॉय वॉचिंग लेटर, जो हम बाद में देखकर और आनंद ले सकते। और ट्रेन रीच्ड एट वन बिग स्टेशन, और हमारी ट्रेन एक बड़े से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। फादर ऑल्सो वॉक अप, पापा भी जा रहे हैं। ही टोल्ड दैट अहमदाबाद के, उन्होंने कहा कि अहमदाबाद आ गया। द एटमोसफियर फिल्ड अप बाय द नॉइज ऑफ डिफरेंट हॉकर्स, HAWKERS, hawkers, hawkers means फेरी वाले, जो different things sell करते हैं। जो atmosphere था वहाँ का station का, वहाँ के साथ, it was filled up by the noise of different hawkers, और वो atmosphere वहाँ का वातावरण अलग अलग तरह की आवाजों से, फेरियों की आवाजों से भरा हुआ था। Some of the words were चाय, गर्मा गर्म भजिया, पूरी साग, कोल्ड वाटर बोटल, बनाना, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल एक्स्ट्रा, और उसमें कुछ यानी है ना, और सब ऐसे थे, चाय गर्म चाय, कुछ लोग भजिया, गर्मा गर्म भजिया, इस तरह की अलग अलग आवाजें लगा रहे थे। फादर से द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20 to 25 मिनट्स, और मेरे पापा ने बताया कि ट्रेन यहाँ पर स्टेशन पर 20 to 25 मिनट्स रुकने वाली है, यानी 20 से 25 मिनट रुकने वाली है। फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बॉटल, और पापा ट्रेन से नीचे उतर गए, इसलिए टू फिल द वाटर बॉटल, पानी की बोतल भरने के लिए। आई ऑल्सो वेंट विथ हिम, और मैं भी उनके साथ नीचे उतर गई। ऑन 2:30 AM व्हेन ट्रेन रीच्ड एट अहमदाबाद स्टेशन, देन शी सो many passengers at on the station and hawkers also on the station, and when she got down with his father, then she saw the platform was crowded. Platform kaisa tha? Bhara hua tha, logo ki bahut bheed bhaad thi. Crowded means bheed bhaad wala, crowded, crowded, crowded means bheed bhaad. Dekha ki platform pe bahut bheed bhaad thi. Passengers were buying from the hawkers, और जो यात्री थे वो क्या कर रहे थे? They were buying from the hawkers, वो फेरियों से अलग अलग चीजें खरीद रहे थे। There were many other trains at the platform, और वहां पर प्लेटफॉर्म पर कुछ दूसरी ट्रेन भी थी। There were people with red uniform carrying load and running around, और वहां पर कुछ और भी लोग थे जो रेड कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए थे, वो सामान लेकर इधर उधर भाग रहे थे। Over these people, they are known as coolie और porter, जो हमारा सामान उठाते हैं हम coolie कहते हैं या porter कहते हैं। There was an important, IMPORTANT, important means जरूरी, announcement, ANNOUNCEMENT, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा, वहां पर एक जरूरी घोषणा की गई। ऑन देयर माइक, माइक पर, MIK माइक, देयर वर एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द माइक मीन्स वहां पर माइक पर एक जरूरी घोषणा की गई। सम पैसेंजर्स वर
वेटिंग फॉर दियर ट्रेन, कुछ पैसेंजर कुछ यात्री अपने ट्रेन की ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वेटिंग मीन्स इंतजार करना। आई वॉज एंजॉइंग द सीन, मैं इस यानी अदृश्य का आनंद ले रही थी। वी टुक बनानास एंड चीकू फ्रॉम हॉकर्स, और हमने जो हॉकर्स जो फेरिए थे उनसे कुछ केले लिए और चीकू लिए। एंड गोट इन टू द ट्रेन, और ट्रेन में चढ़ गए। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, और थोड़ी देर में ट्रेन शुरू हो गई। वी एट बनानास एंड चीकू एंड आई वेंट टू द टॉयलेट, और मैं हमने बनाना मीन्स केले और चीकू खाए और उसके बाद मैं टॉयलेट गई। नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, अब मुझे नींद नहीं आती। आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नेक्स एंड लेडर्स गेम, और हमारे पास सांप सीढ़ी के खेल का एक बोर्ड था। तो हिमांश योना एंड आई प्लेड स्नेक एंड लेडर्स, और हिमांश योना और रिया ने सांप सीढ़ी की का गेम खेला। इन द मीन टाइम एम ई एन टी आई एम ई, इस मीन टाइम मीन्स इसी बीच में, द ट्रेन अराइव एट नडियाद वेयर फियोना हैड टू गेट डाउन, और थोड़ी देर में ट्रेन कहाँ पहुंच गई, अराइव मीन्स रीच्ड, कहाँ पर पहुंच गई, तो नडियाद। ऑन विच टाइम, सो एट 3:45 AM फियोना सेड बाय टू अस, देन आई एंड हिमांश वेंट टू स्लीप, और फियोना ने हमसे बाय बी वाई ई बाय बाय मीन्स अलविदा, फियोना ने हमसे बाय कहा और उसके बाद मैं और हिमांश सो गए। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टेल्ड यू इन दिस वीडियो। आई विल सेंड पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी विल मीट सून इन अवर ऑनलाइन सेशन टू सॉल्व योर डाउट्स एंड क्वेरीज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।